पत्रकार साथियों का मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा SGCTA लोकल इकाई जो संजौली कॉलेज की उसके बिहाफ पे मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। देखिए जो ये आंदोलन हमारा पिछले एक महीने से चल रहा है उसको जिस तरह से एक रचनात्मक और सहयोग मीडिया का मिला है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कितना मजबूत है। ये जो एक महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर मैं आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका उद्देश्य तीन बिंदुओं पर चर्चा करना है। पहला कि एक महीने से इस आंदोलन को में हमने क्या खोया क्या पाया, दूसरा आज क्या स्थिति है इस आंदोलन की, और तीसरा आगे आने वाले समय में क्या रणनीति होने वाली है। देखिए जो ये आंदोलन चला, मैं पहले आपको इसका परिप्रेक्ष्य बता दूं कि जो ये आंदोलन चला एक महीने से उसका जो एक मुख्य प्रश्न था कि किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन हो रहा था, तीन प्रश्नों को लेकर था। पहला था कि एक शिक्षा का स्वरूप किस तरह का हो और जिस तरह से शिक्षा के स्वरूप और उसकी आत्मा को परिवर्तित करने की एक साजिश हो रही थी उसे किस तरह से बचाया जाए। दूसरा शिक्षकों के हक, जिसमें UGC वेतनमान था, MPhil PhD इंक्रीमेंट है, प्रिंसिपल्स की पोस्ट प्रमोशंस है और प्रोफेसर्स की पोस्ट है। तीसरा विद्यार्थियों का भविष्य। तो इस पूरे आंदोलन में जो हम आंदोलन में क्यों आंदोलनरत क्यों हुए, क्यों हम आंदोलन में आए, इसका कारण था क्योंकि सरकार का एक नकारात्मक रवैया और बातचीत में ना आना और हमारे मुद्दों को कभी भी एड्रेस ना करना। लेकिन अभी पिछले दो तीन दिनों में कुछ आइस मेल्ट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी में एक समारोह में आश्वासन दिया, घोषणा की कि हम हमारे शिक्षकों के मुद्दों को कैबिनेट में रखेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस बिहार पे उनका उस घोषणा का सम्मान करते हुए मैं SGCTA की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने अभी फिलहाल इसे डेफर करने का प्लान किया है। डेफर का मतलब है कि हम अभी फिलहाल इसको रोक रहे हैं, तो मोहलत ले रहे हैं, दे रहे हैं सरकार को कि वो अगर अभी कैबिनेट में इन इश्यूज को उठाते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो हम अपनी स्ट्राइक को, इस आंदोलन को कॉल ऑफ करेंगे। अदरवाइज उसके बाद अगर नहीं होता है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा का सवाल है या शिक्षा के भविष्य का सवाल है, अगर शिक्षकों के साथ सार्थक चर्चा करके, रचनात्मक चर्चा करके, उनके साथ बातचीत कर किए बगैर अगर इस पर शिक्षा, हमारी शिक्षा की नीतियाँ बनती है, तो वो एक सही बात नहीं है। तो मेरा मानना है, हमारा मानना है, SGCTA का मानना है कि सरकार शिक्षकों को बुलाए, उनके साथ चर्चा करे और अभी आने वाली कैबिनेट में उसको एड्रेस किया जाए, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। अगर नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस मोडस ऑपरेंडी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के महामंत्री डॉक्टर रामलाल शर्मा जी आपको बताएंगे कि हम आगे आने वाले समय में क्या करेंगे अगर सरकार हमारे इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करती है। तो रामलाल शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि वो आगे आने वाली स्ट्रेटेजी के बारे में आपको अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं आप लोगों का हमारी केंद्रीय इकाई की तरफ से, जो हमारी हिमाचल प्रदेश जो अध्यापक संघ है, मैं उसकी तरफ से आप सभी का यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने काफ़ी कवरेज किया था और ये उसी, क्योंकि हम जो हैं जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें विश्वविद्यालय के लोग भी हैं और हम भी हैं, जिसमें 4-5 एसोसिएशन हैं उसके साथ, क्योंकि हमारा सबका एक मुद्दा है। और अभी जिस तरह से थोड़ा सा जो है वो उसमें परिवर्तन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री और जो पिछली 6 तारीख की जो कैबिनेट थी उसमें कोई सकारात्मक सी चीज़ें बाहर आई और उसको देखते हुए जो है वो ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा 10 तारीख से जो आंदोलन था, जिसमें हमारा क्रमिक भूख हड़ताल पूरे प्रदेश के अंदर होने वाली थी और एक जगह पर उसमें होनी थी, उसको हमने थोड़ा सा डेफर किया है और उसको मान रखते हुए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा है कि बहुत जल्दी जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का और UGC के वेतनमान जो है उनको दिए जाए, तो हमारा मकसद न केवल सिर्फ आंदोलन करना है। आंदोलन हमने आज तक कभी आंदोलन नहीं किए
और आंदोलन हमारे को इसलिए करना पड़ रहा है, वो भी बहुत ही इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है जिसमें छात्रों का जो भविष्य है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, उनके एग्जामिनेशन जो है उसको डेफर नहीं किया गया, चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर था चाहे महाविद्यालय के स्तर पर था। परंतु जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों से कि जो हमारे मुद्दे हैं उसका निराकरण नहीं किया जा रहा, और एक शिक्षा को जो है वो एक सही ढंग से जो है जो उच्च शिक्षा के प्रति जो संवेदना सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी वो संवेदना सरकार की नहीं, क्योंकि लगातार हम जो भी हमारे मुद्दे हैं वो भी बिल्कुल जो रेगुलेशंस के अंदर है, जो UGC के रेगुलेशंस हैं और जो दिए हुए हमारे को सारे के सारे जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करते हुए उसको अपने टाइम के अंदर जो है वो विड्रॉ किया गया है, चाहे MPhil और PhD के इंक्रीमेंट्स की बात हो जिसको 2014 के अंदर अक्टूबर 2014 में मनमाने तरीके से जो UGC के नॉर्म्स में है उसको प्रदेश सरकार ने उसको विड्रॉ किया। क्यों किया गया उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पिछला जो सरकार को वहाँ से जो अमाउंट मिला है UGC से जो रिफंड मिला है वो इसी आधार पर मिला कि वो सारी की सारी देयता जो है वो दी जाएगी। उसी तरह से जैसे अगर हम प्रोफेसर की बात करें, जब वो पंजाब के बीच में बात करते हैं, पंजाब के अंदर 2010 के अंदर प्रोफेसर की पोस्ट को दे दिया गया और यहाँ पर जो है उसको नहीं दिया गया। तो सरकार जो है जब भी बात करती है वो अपने हिसाब से बात करती है कि कौन सा कहाँ पर जो उनको कन्वीनियंस होता है वो उस नियम की बात करते हैं। अब जैसे पे स्केल की बात है, पे स्केल की बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर UGC के मानकों के आधार पर 27 राज्यों में दे दिए गए, हमारे को बेवजह जो है वो पंजाब के साथ जोड़ा जाता है, जबकि प्रदेश जो है वो एक स्वतंत्र राज्य है और ना तो पंजाब से कोई हमारे को ग्रांट आती है और ना कोई इस तरह की कि हम पूरी तरह से पंजाब को हर चीज़ में फॉलो करते हैं। जैसा मैंने भी आपसे कहा कि प्रोफेसर की पोस्ट वहाँ पर है और वहाँ पर MPhil और PhD के इंक्रीमेंट्स को विड्रॉ नहीं किया गया। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो सरकार जब अपने आप इस तरह से नियमों की अवहेलना करती है तो तब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये इस तरह के आंदोलन जो है वो उभरते हैं। क्योंकि आज तक अगर जो रेगुलेशंस UGC के रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस के प्रोविजंस को सबको मान्य जो है वो अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं पर भी दिक्कत जो है वो नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो पठन पाठन के लिए है, तो इसलिए वहाँ पर आंदोलन की कोई जगह नहीं होती। और आंदोलन की जगह स्पेस जब क्रिएट होता है वो इस वजह से होता है जब इस तरह की नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो नीतियाँ जो है वो सरकार के स्तर पर जो है वो गलत नीतियाँ आती हैं तब इस तरह के आंदोलन जो है वो उठते हैं। इसमें वह किसी ना तो किसी जो है वो कोई विचार का ना किसी सरकार का विरोध है, ये केवल हमारे अपने हक का और एक एग्जिस्टेंस का प्रश्न है कि जहाँ पर सरकार जो है वो इस तरह की विचाराघात करती है कि अपने मनमाने तरीके से सारे के सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल के रूल्स हैं वो जो सेंट्रल सर्विसेज पर है वो उसी दिन से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं जिस दिन से केंद्र सरकार करती है, उसमें तो पंजाब का कहीं पर भी वेट नहीं किया जाता। और बाकी हमारे मानकों के आधार पर पंजाब का वेट क्यों किया जा रहा है, हमारा तो प्रश्न सिर्फ केवल इतना है, ना तो पंजाब से हमारे को कोई ग्रांट आ रही है। तो आप जो है वो बाकी एम्प्लॉयज़ को जब आपने दे दिया तो हमारे को भी अगर सरकार इतनी संवेदनशील है तो जब बाकी एम्प्लॉयज़ को दे दिया गया है UGC पे स्केल्स तो हमारे को भी जो है वो UGC पे स्केल दिया जाए, और जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी जो है वो मिल बैठ करके हम जो है वो जब रिप्रेजेंटेशन सरकार को देते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें, जब वो वहाँ पर मानते हैं कि हाँ सारी की सारी चीज़ें हैं कि इसमें जो है वो गलत है कि आपका MPhil और MPhil की PhD भी गलत तरीके से विड्रॉ हुई है, तो आज तक उसका निराकरण क्यों नहीं हुआ। प्रोफेसर की पोस्ट पर कोई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, एडिशनल पोस्ट उसमें क्रिएट नहीं होनी है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ये मिल बैठ कर जब सरकार वार्ता करेगी तो वार्ता के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सुलझ के आती है। अभी जैसे हमारा आंदोलन जो है वो 12 तारीख से, पिछले 12 तारीख से इवैल्यूएशन जो है वो रुकी हुई, वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि निराकरण नहीं किया गया। हमारा काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, 80% से ज़्यादा जो है वो इवैल्यूएशन फाइनल ईयर की हो चुकी थी। उसके बाद हमने उससे पहले हम लगातार सरकार को ज्ञापन देते रहे, जब हमारे को कोई चारा नज़र नहीं आया तो इस तरह से एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई गई कि हमारे को फाइनल ईयर के जो है वो इवैल्यूएशन को भी रोकना चाहिए। अब सरकार अगर इतनी संवेदनशील होती कि
छात्रों का भविष्य अधर में है, तो वो वार्ता के लिए बुलाती, वार्ता के लिए बुलाती, जो भी समस्याएं हैं सरकार के अंदर भी समस्याएं हो सकती है, तो उन समस्याओं को मिल बैठ कर जो है वो निराकरण किया जा सकता था। तो सरकार ने ना तो वार्ता की पहल की और ना इस तरह की जो है वो कोई सरकार की तरह से इस तरह का बयान आया। हालांकि एक दो बयान जो मुख्यमंत्री जी का आया वो बहुत स्वागत योग्य है। बीच में उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे को पंजाब में हर एक चीज़ पे हमारे को पंजाब को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे को उसमें बहुत आस निकल आई थी कि शायद जो है वो अब इसमें जो है वो हमारा जो पे स्केल है उसको बहुत जल्दी जो है उसको दे दिया जाएगा, परंतु उस कैबिनेट में भी नहीं हुआ। नेक्स्ट कैबिनेट में जो है हालांकि चर्चा उसमें ज़रूर हुई थी और उसमें माननीय जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने जब कैबिनेट का ब्रीफिंग किया था तो कैबिनेट की ब्रीफ में उन्होंने कहा था कि आगे आने वाली जो कैबिनेट है उसमें जो है वो डायरेक्शन दे दी गई है डिपार्टमेंट को कि वो कैबिनेट में उसका पूरा का पूरा जो प्रारूप है उसको ले आए। तो इन बातों को हमारे को लगता है कि कोई पॉजिटिव दिशा के अंदर जो है वो बात बन रही है। और अभी आंदोलन जो है वो हमने उसको सिर्फ एक डेफर किया है, अभी पूरी तरह से स्थगन नहीं है, क्योंकि उसमें दो चीज़ें थी। एक तो अभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे आजकल वेकेशन चल रही है, और एक जब मुख्यमंत्री जी ने एक रिस्पॉन्सिबल आदमी और एक राज्य का मुखिया जब एक प्लेटफॉर्म से इस बात को बोल रहा है कि बहुत जल्दी हम इस चीज़ का निराकरण करेंगे, तो ये हमारा भी दायित्व बन जाता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको स्पेस दें। तो हमने अपना आंदोलन जो है वो थोड़ा सा डेफर कर दिया उसको, उनको ऑनर करते हुए कि हम जो है वो आंदोलन के लिए नहीं है, हम आपकी बात भी सुनेंगे, आप हमारी बात सुने। और इसको देखते हुए अगर इन ये बातें नहीं आती तो जैसे ही हमारे महाविद्यालय जब वेकेशन हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो है वो एक इस तरह की सशक्त रणनीति बनाई जाएगी कि जिसमें जो है वो पूर्ण शिक्षा जो है बंद भी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब जो प्रश्न है वो प्रश्न है हमारे अध्यापकों का, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अध्यापक है उनके एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रही, क्योंकि हम भी सरकार का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितने बाकी डिपार्टमेंट है। बाकी तो सब जगह पर जो शिक्षकों को कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माता है, जब आप राष्ट्र निर्माताओं की बातें नहीं सुन रहे तो फिर आपकी बातों में कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की जो है वो आती, मतलब बात आती है, दोगली बात आती है कि आप जो हैं वो सही ढंग से हमारी बातों को जो है वो नहीं सुन रहे हैं। और हमारा सरकार से अभी भी यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन है कि छात्रों के हित को और अध्यापकों के हित को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश के पूरे हित को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निराकरण करें और आप वार्ता के लिए पहल करें, और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप निराकरण करें। हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है हम उसी पे बातें जो है वो करना चाहते हैं सरकार से। UGC पे स्केल्स है सब जगह दे दिया गया है, MPhil PhD के इंक्रीमेंट्स है सब जगह पर मिल रही है, बाकी जगह पर नॉर्म्स के हिसाब से मिल रही है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, आप देखिए यहाँ पर सरकार की नीतियाँ अपने हिसाब से कैसे बदलती है कि UGC के नॉर्म्स में कहीं पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की प्रोविज़न नहीं है, और सरकार ने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर भी, आप देखिए दो मानक किस तरह से लगते हैं। जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल्स हैं वो एक ही रूल्स हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा जो रेगुलेशन 2018 है UGC का, उसके तहत रिक्रूटमेंट होता है, और उस रिक्रूटमेंट में कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होगा। विश्वविद्यालय में तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं करते, और आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट वही रूल्स हमारे पर भी लगते हैं, आप महाविद्यालय के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको आप वहाँ पर सारे बेनिफिट देते हैं, सर्विस के बेनिफिट देते हैं, चाहे वो अगर उन्होंने कॉलेज में भी वो अध्यापन किया हो, कॉन्ट्रैक्ट में दिया हो, वहाँ पर आप उनको कैश के अंदर सारे बेनिफिट देते हैं। तो आप यहाँ पर भी दीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी सरकार से हमारा विरोध नहीं है, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कोई एक सीमा के अंदर हम जो है वो अपनी बात सरकार के अंदर के पास रख रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को जो रूल्स के अंदर है वो प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न्स आप जो हैं वो हमारे लिए करिए, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। और इसके कारण जो है वो खासतौर पर शिक्षा में, शोध कार्यों में जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव से पूरे राज्यों के अंदर जो है वो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हम जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो काम करना चाह रहे हैं वो काम जो है वो सही ढंग से नहीं होता।
शिक्षा का मतलब यह है कि हम जो है वो बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दें, हमारा कोई आंदोलन करना कोई मकसद नहीं होता। तो जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो फिर अपने अधिकार को संरक्षण करने के लिए इस तरह की जो है वो परिस्थितियां पैदा की गई हैं, तो हम वो जो है वो उसके अनुरूप ही अपना कार्य कर रहे हैं। हमने अब मैंने पहले पिछली वार्ता में भी आपसे कहा था कि जब हम अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं तो उसमें जो है वो दोनों तरफ से जो है वो उसमें सामंजस्यता होनी चाहिए। जब हमने अपने अधिकारों का हमने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट हमने जब हमने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया, अब ये सरकार का दायित्व तो बन जाता है कि वो हमारे राइट्स दे। और हम कोई अनुचित मांग नहीं मांग रहे, हम नहीं बोल रहे कि हमारे को अतिरिक्त चाहिए। जब आपने 2.25 लाख कर्मचारियों को दे दिया तो 3,000 कर्मचारियों को देने में कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप वार्ता करें, जहाँ पर भी कोई दिक्कत है उस दिक्कतों को जो है अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी तो हम भी जो है उन चीज़ों को समझते हैं, तो वो क्या दिखते हैं वो सामने आनी चाहिए। हम सवाल ले सकते हैं अगर किसी की कोई अभी कैबिनेट की मीटिंग का तो हम इंतजार करेंगे ही, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कैबिनेट की में लाया जाएगा। अब उसके बाद जो है वो क्या सरकार की तरफ से बयान आता है या इन बिटवीन जो है वो कहीं वो हमारे को वार्ता के लिए भी बुलाते हैं तो उसमें भी देखें कहीं पर इस तरह की बात भी हो रही है कि शायद वो वार्ता के लिए बुलाए। और उसके बाद अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर अगली रणनीति उसके बाद होगी, क्योंकि 4 तारीख तक हमारी अभी जो है वो वेकेशन चल रही है और विश्वविद्यालय और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्योंकि वहाँ पर अभी सेशन चल रहा है, तो वो वहाँ पर भी उन्होंने भी आंदोलन अपना जो है वो ख़त्म नहीं किया है। वो जिस तरह से उनका सांकेतिक 1 घंटे का धरना है वो वहाँ पर भी चल रहा है और वो भी संवेदना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आजकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी उन्होंने जो है वो कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वो अपना जो है वो प्रोटेस्ट सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 1 घंटे का तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर जो है वो 1 घंटे का धरना प्रदर्शन हो रहा। तो महाविद्यालयों की परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ना आई होती मुख्यमंत्री जी की तो हमारे यहाँ पर भी हमारा तो आंदोलन और उनसे भी बड़ा आंदोलन होना था। हमारे यहाँ पर जो है वो क्रमिक भूख हड़ताल पर पूरे प्रदेश से शिक्षक जो है वो बैठने थे, एक जगह पर बैठने थे। तो परंतु जब एक इस तरह का बयान एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से जो है मुख्यमंत्री जी से इस तरह का बयान आ गया तो थोड़ा सा स्पेस देने की उसमें आवश्यकता थी, तो वो किया गया। आने वाले दिनों के अंदर तो जिस तरह की परिस्थितियां होगी उसके अनुरूप जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। सर इवैल्यूएशन का काम वो तो डेफर देखो अभी तक जो हमने किया था उसमें सरकार ने हमारे को कहीं वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो ये तो हमने जस्ट इट इज अ ऑनर फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने जो है वो पब्लिक मीटिंग में जो है वो अनाउंसमेंट की कि हम आपको देखेंगे। अगर वो वार्ता के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती है देन वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ हम भी जो है वो कोई मैं जैसा आपसे पहले भी कहा कि आंदोलनकारी तो हम है नहीं है कि हमारा जो है वो सिर्फ आंदोलन करना ही हमारा मकसद है। तो दिस इज द एक्सट्रीम स्टेप कि जो है वो जब कोई चारा और नहीं रहा, जब सुनवाई कुछ नहीं हो रही, कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही, तो इस तरह की परिस्थितियाँ तब उत्पन्न हुई हैं। सर आप एक बात कह रहे थे शिक्षक पठन पाठन के लिए है आंदोलन के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल। कुछ समय से समाचार पत्रों में भी खबरें आ रही हैं कि महाविद्यालयों में कुछ अध्यापक जो हैं 11 बजे आते हैं 12 बजे चले जाते हैं, इसके ऊपर आपकी एसोसिएशन का स्टैंड क्या है? नहीं हमारे जो हैं वो इस तरह की जो है वो ये शुरू से लेकर के रहा है। हम जो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं अगर कोई 1-2 आदमी इस तरह का होगा वो तो महाविद्यालय प्रशासन का काम है उसको देखने के लिए, परंतु एट लार्ज अगर हम ये बात करें तो महाविद्यालयों के अंदर जो है वो इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है। वो 1-2 ऐसा कोई सिंगल आउट केसेस हो सकते हैं और इसके लिए बिल्कुल एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल जो नॉर्म्स हैं जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के तहत जो है वो हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं और काम करते हैं। और आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जो शिक्षा का स्तर है आज अगर हम हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों के अनुरूप भी देखें तो हमारा स्तर जो है वो बाकी राज्यों से काफ़ी ऊपर है। तो वो सिर्फ वैक्यूम में नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ का शिक्षक है वो बहुत संवेदनशील है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस 1-2 जो है वो 100 में से या 1000 में से 1 केस जहाँ आ जाता है। और मैं हमारी थोड़ी सी ये भी रहती है कि जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं हम उसको ज़्यादा उजागर करते हैं और जो कोई सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसको हम पीछे की तरफ धकेल देते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो
हमारी जो है वो अगर इस तरह का कोई नॉलेज आती है तो हम उन चीज़ों को कभी भी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करते कि अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट में कोई ऐसी जो है मतलब इसके कोई टीचर के अगेंस्ट इस तरह का एलिगेशन हो तो हम जो है वो एसोसिएशन हमेशा जो है वो अपने इंटरेस्ट को जो हमारी लार्जर इंटरेस्ट है कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है या जो इस तरह की जो गलत जो गतिविधियाँ हैं उसको रोकने के लिए एसोसिएशन नहीं है। इस सेशन से नई शिक्षा नीति भी शुरू करने की बात कही जा रही है उसके ऊपर आपके एसोसिएशन का क्या मानना है? देखो नीतियां जो हैं वो सरकार बनाती है और नीतियां जब बनाई जाती है तो हमारा पहले भी सरकारों से भी अनुरोध रहा है कि जब भी नीतियां बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स की राय ली जानी चाहिए। अब राष्ट्र शिक्षा नीति बनाई गई है, राष्ट्र शिक्षा नीति बन गई है वो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा वो स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार को मिल बैठ करके, क्योंकि अगर सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो सरकार को स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज हैं, उन ग्रे एरियाज को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति को आप लागू सही दिशा से लागू करने के लिए हमारे को सबसे पहले जो है वो हमारे को शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी जो है वो किस तरह से पूरी की जाएगी उसको मतलब देखने की आवश्यकता है। जब हम लार्जर जब नीति बनाते हैं तो दोनों तरह के पहलू उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो देखे जाने चाहिए। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है अभी भी जैसे जो है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप हर साल जो है वो रेगुलर रिक्रूटमेंट करते हैं, शिक्षा में क्यों नहीं हो सकती, हायर शिक्षा के अंदर क्यों रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। अब अभी जो है वो शिक्षा के अंदर 4 साल के बाद जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुई है पोस्ट, और कितने लोग हमारे रिटायरमेंट जो है वो रिटायर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो ये जो है वो ये संवेदना सरकार की तरफ से संवेदनशीलता होना बहुत आवश्यक है कि आप जो हैं वो शिक्षा के लिए जब भी नीतियां बनाई जाती है तो वो एक एडॉकिज्म में बनती है, जब आप बनाते हैं तो उसको समग्रता में देखा जाना चाहिए कि आप जब रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं तो आप एनुअल कम से कम जो है वो रिक्रूटमेंट एनुअल रिक्रूटमेंट करें और एक प्रॉपर एजेंसी जो यहाँ पर है हमारे पास ताकि इसके बीच में कोई ऐसी समस्याएं ना रहे। अब आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी जो हैं वो हमारे पास कैटेगरीज हैं, बहुत सी कैटेगरीज है, कोई पैट है, कोई बहुत से नॉर्मल क्लेचर है, तो वो नॉर्मल क्लेचर आने की समस्या ही नहीं होगी। जब आप रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है कि आपकी इतनी पोस्टें जो है वो खाली होनी है, इतने रिटायरमेंट होने हैं और इतने जो टीचर्स आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास जब एक ऐसी पॉलिसी बनी हुई होगी तो आप वहाँ से जो है वो आप जो है उस तरह से उसको कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो है वो हमारी वो सही दिशा में होनी चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न और शॉर्ट में, इस शिक्षा नीति का आप समर्थन करेंगे या फिर सरकार को अभी भी सोचने के लिए सुझाव देंगे? नहीं, सरकार को जहाँ पर सुझाव की आवश्यकता होगी वो सुझाव देंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे को जो है वो कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। सर, माना यह जाए कि आने वाली कैबिनेट तक आपने अपने आंदोलन को डेफर किया है, तब तक तो डेफर किया है और मूल्यांकन भी उसके बाद ही शुरू। हाँ, क्योंकि मूल्यांकन देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन के बाद जो है वो जब हमने समस्याएं बता दी, सारी समस्याएं बता दी कि यहाँ पर हमारे जो है या तो सरकार जो है वो बातचीत के लिए पहल करे, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है तो हमारी जो है वो ये तो हमने मान रखते हुए मुख्यमंत्री जी का मान और जो स्टेटमेंट बीच में आई है तो हमने उसको एक डेफर किया है और एक स्पेस और जो है वो गवर्नमेंट को एक स्पेस प्रोवाइड करा है।